हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सब बच्चे होंगे। तो मैं बिचा दोस्तों, सो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपने मनावर तभी के ब्रिज के ऊपर से, सो अपनी कार के साथ। सो दोस्तों इस वक्त जा रहा हूँ अपने खोड़ बाजार की ओर मम्मा के साथ कुछ काम से। सो देखते हैं कैसा रहता एक्सपीरियंस। इंटरेस्टेड हो तो बने रहे लास्ट तक वीडियो के साथ। दिखाते हैं आपको आज खोड़ बाजार का छोटा सा रिव्यू। दोस्तों बने रहे लास्ट तक वीडियो के साथ। सो फाइनली दोस्तों मम्मा भी आ चुकी है गाड़ी में। सो लेट्स गो अपने सफर की ओर निकलते हैं। और हमारे साथ जा रहे हैं आज भाई शुभम भाई जी। ये कर रहे थे मेट्रो का वेट, सो मैंने सोचा आप मेरे साथ चलो, वैसे ही मैं जा रहा हूँ भाई। सो लेट्स गो निकलते हैं अपने सफर की ओर, बने रहे लास्ट तक वीडियो के साथ। सो हे माई प्यारे यूट्यूब फैमिली, सो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं भाई खतरनाक रोड पे, यानी कि बलडोज से बाया चपरियाल वाली साइड से ये थोड़ा सा कच्चा रोड आता है भाई रास्ते में। सो इसी रोड को थोड़ा सेफली हमें ड्राइव करना पड़ता है गाड़ी को भाई। सो क्या करें भाई, बरसात के मौसम में रोड की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है भाई। कोई नहीं, आराम आराम से निकाल रहा हूँ गाड़ी को भाई। अभी तक तो ठीक ही रोड मिला है, आगे देखते हैं कैसा है दृश्य भाई रोड का। सो दोस्तों बरसात के मौसम से पहले ये टोटली रोड 12 फुट का था भाई। अब लैंडस्लाइडिंग की वजह से ना रोड भी बहुत ही कम हो चुका है, और गाड़ी को कहां से ले जाना पड़ रहा है आप लोग देखो भाई, बीच में कीचड़ देख रहे हो भाई। साइड साइड से निकालनी पड़ रही है गाड़ी, छोटी गाड़ी है ना पत्थर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं भाई छोटी गाड़ी को, इसलिए भाई। सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं एमडी के स्टॉप पे। सो दोस्तों ये लगी है नारायणा रोड की गाड़ियां भाई इधर ही। सो एक वो सामने जा रही है आगे भाई। और ये आ रही है हमारे गांव में आने वाली मेटाडोर भाई। सो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम सेलावली बाजार में भाई। आज ट्रैफिक बहुत कम लग रहा है भाई, पहली बार। सो दोस्तों ये है सेलावली चेक पोस्ट भाई। अब मजा है गाड़ी चलाने में भाई, देखो भाई कितनी प्यारी रोड मिली है, गाड़ी भी खुश हुई है भाई। सो दोस्तों खोड़ बाजार जाने से पहले गाड़ी में भरवाएंगे हम पेट्रोल भाई, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आते वक्त ना उधर पलां वाला वाली साइड से आ जाएंगे। सो इस वक्त पहले भरवाते हैं इसमें पेट्रोल भाई। मैं पेट्रोल भरवाने जा रहा ही था, इधर देखो कौन मिले भाई, इधर सुरेश भाई और ये सभी अपने गाँव के लड़के हैं भाई। इधर कहाँ घूम रहे हो आप लोग? अच्छा रनिंग करने गए थे, वो ठीक है ना। सो फाइनली दोस्तों गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया है, अब निकलते हैं अपने आगे की सफर की ओर। दोस्तों सबसे नज़दीक ये पेट्रोल पंप पड़ता है हमारे गांव के जो खोड़ मोड़ के पास है भाई। तो चलते हैं आप भाई खोड़ बाजार सीधा। सो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं खोड़ बाजार भाई, थैंक्स फॉर विजिट। खोड़ बाजार में भाई ये ऑटो वो देखने को मिल रहा है मेरे को भाई। सो है माई प्यारी यूट्यूब फैमिली, सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं खोड़ बाजार में। सो मम्मा गई है बैंक के अंदर, सो मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ क्योंकि भाई इधर पार्किंग की स्पेस बहुत कम है, तो इसलिए भाई मम्मा जब तक आती है तब तक करते हैं वेट मम्मा का भाई।
सो दोस्तों और कुछ बोलूं या ना बोलूं, एसी की हवा खाने के लिए बैंक में पक्का आ जाना भाई। और ये जेके बैंक के साथ ठीक इसी के साथ ये यहाँ पे खिदमी सेंटर, और ये अभी अभी खुला भाई वैष्णो ढाबा। तो दोस्तों ये SBI का बैंक, ठीक इसी के साथ यहाँ पे लगा दी अपनी गाड़ी और बैठते हैं इसमें। अब भाई चलते हैं आगे की ओर। सो है माय प्यार यूट्यूब फैमिली, सो फाइनली दोस्तों बैंक के रिलेटेड जो भी काम था वो फाइनली हो चुका है ख़त्म। अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। कहाँ जाना अब? मम्मा बोली आगे कुछ काम है वो करते हैं। चलो भाई चलते हैं, कहाँ लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये आ गया खोड़ बाजार का बस स्टैंड भाई। यहाँ पे लगती है हमारे गांव की जो भी मेट्रोरे आती है ना, इधर लगती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लगी भी हुई है भाई, और जम्मू जाने वाली बसेस भी यहाँ से मिलती है भाई। तो ये लगी है मेट्रोर इधर भाई, और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए भाई। खोड़ का फेमस होटल है ये जहाँ पे अब हम जा रहे हैं भाई। ये रही भाई छोटी सी दुकान है, पर खाना बड़ा टेस्टी है भाई यहाँ का। सो है माई प्यारी यूट्यूब फैमिली, सो फाइनली दोस्तों पेट पूजा हो चुकी है भाई। अब निकलते हैं अपने नेक्स्ट काम की ओर। सो दोस्तों सबसे अच्छा रिव्यू मेरी मम्मा देगी, क्योंकि घर पे खाना मम्मा भी बनाती है ना। सो मम्मा आप बताओ खोड़ बाजार के ये होटल में आपको खाना खा के कैसा लगा भाई, सच बताना मम्मा। बहुत टेस्टी है ना। सो दोस्तों जितनी पुरानी ये दुकान है ना उतना ही टेस्टी उनका खाना भी है भाई। आप लोगों मैं एक इतना पक्का अंदाजा से बोल सकता हूँ कि खोड़ बाजार का कोई ऐसा इंसान होगा, कोई ऐसी फैमिली होगी जिसने यहाँ का खाना ट्राई नहीं किया है भाई। और स्पेशल इनका मुझे लगता है नान भाई, और छोले इतने टेस्टी होते हैं ना जिसकी कोई हद तक नहीं भाई। सो भाई सच्ची में अगर कोई वीडियो देख रहा है तो पक्का एक बार टेस्ट करना। अगर जिसने ऑलरेडी टेस्ट कर रखे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा है यहाँ का खाना भाई, ताकि और भी ऑडियंस को पता चले भाई। सो लेट्स गो, अब निकलते हैं हम जोड़ियाँ बाजार की ओर। अब मैंने थोड़ा बहुत गाड़ी का काम करवाना है, सो लेट्स गो उधर निकलते हैं भाई। सो दोस्तों ये रोड जा रहा है खोड़ बाजार से होते हुए मलाल के बीचों बीच सीधा जाएगा जोड़ियाँ की ओर। सो मैंने जाना है गैरेज में, जहाँ पे मेरे जो उस्ताद जी हैं इस गाड़ी के काम करते हैं ऑलरेडी, कुलदीप उस्ताद जी, उनसे ही इस गाड़ी का काम करवाना है भाई। लेट्स गो भाई निकलते हैं अब। सो फाइनली दोस्तों चक मोड़ जोड़ियाँ रोड के पास ही ये कार वाशिंग गैरेज न्यू खुला हुआ है भाई। यहाँ पे मैंने गाड़ी का काम करवा रहा हूँ, वो लगी है मेरी गाड़ी अंदर। सो अभी अभी न्यू खुला है ये, जो जहाँ के उस्ताद जी हैं ये पहले काम करते थे जोड़ियाँ गैरेज में। सो अब इन्होंने इधर शिफ्ट कर दिया भाई। सो काफ़ी अच्छा काम लगता है मेरे को, तो इसलिए मैं इन्हीं से अपने गाड़ी का काम करवाता हूँ भाई। ये मेन रोड है भाई। सो है माई प्यारी यूट्यूब फैमिली, सो दोस्तों चक मोड़ के पास ही ये न्यू गैरेज खुला है, जहाँ पे हमारे कुलदीप उस्ताद जी काम करते थे गाड़ियों का पहले जोड़ियाँ, अब शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे भाई। न्यू गैरेज खुला है तो सर्विस करवाते हैं गाड़ी की, छोटा मोटा काम है वो चेकअप करवाते हैं गाड़ी का। मम्मा वो बैठी है सामने भाई। सो दोस्तों पीछे चल रहा है गाड़ी का काम, और अंदर देखो भाई मम्मा मस्त एसी की हवा ले रही है भाई, वो बैठे हैं अंदर रिसेप्शन में भाई। वाओ यार एसी की हवा, हाय हाय सच्ची। सो गाइस उधर चल रहा है गैरेज में गाड़ी का काम, सो इधर मम्मा बैठी है, देखो भाई एसी की हवा ले रहे हैं, मस्त आगे चल रही है भाई पंजाबी फिल्म, और रिसेप्शन बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भाई।
कैसा लग रहा है बैठकर? एसी की हवा तो अच्छा ही लगेगा भाई। तो दोस्तों कुलदीप उस्ताद जी ने मेरी गाड़ी का काम कर दिया है, अब टेस्ट ड्राइव के लिए निकले हैं हम रास्ते पे भाई। चाचा जी बहुत ही अच्छा काम करते हैं भाई गाड़ियों का, पहले जोड़ियों में करते थे, अब इन्होंने न्यू गैरेज ओपन किया है चक मोड़ के पास, ठीक है। तो दोस्तों अभी जस्ट न्यू फ्रेश गैरेज खुला हुआ है, चाचा जी इधर ही मिल जाएंगे आपको। कोई भी बंदे ने गाड़ी किसी भी गाड़ी का काम करवाना हो तो चाचा जी हमेशा हाजिर रहते हैं इधर। माता दी चलो बाहर, गाड़ी का काम हो चुका है, एसी की हवा कितनी लोगे आप, चलो बाहर आ जाओ। सो फाइनली दोस्तों गाड़ी का काम हो चुका कंप्लीट, सो अब जितनी पेमेंट बनती है चाचा जी की देते हैं, चाचा जी को चलते हैं घर की ओर भाई, लेट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना मम्मा। ये लगी अपनी रायनी साहिबा और निकलते अब घर की ओर भाई। सो दोस्तों फाइनली गाड़ी का काम करवा के हम निकल चुके हैं अपने आगे की सफर की ओर, जाने की अपने घर की ओर भाई मामा। सो दोस्तों ये है जोड़ियां बाजार, जहाँ पे बहुत ही अच्छी मार्केट देखने को मिलती है मेरे को, और बसेस लगती हैं इधर भाई। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूँ सेला वाली चेक पोस्ट के पास भाई। ऑटो वाले भैया रुक जाना, नहीं रुकते भाई, क्या करूं। सो दोस्तों ये पहुंच गए हम सेला वाली बाजार में भाई। सो ये आ चुकी है भाई नराना रूट की गाड़ी पटोला। तो दोस्तों अब मैं और मेरी मम्मा जा रहे हैं नानी जी के घर भाई, देखते हैं अपनी राजा यानी आई हुई है या नहीं भाई। सो दोस्तों आज लगी हैं अपनी दोनों गाड़ियां साथ साथ भाई, देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही हैं, अपनी रानी संद्रा क्यूटी और अपनी राजा जानी। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं अपनी नानी माँ के पास, ये बोलती है फफड़दाल करने आया मेरे पास। नानी माँ के घर से सीधा आ चुका था अपने घर, सो रास्ते की वीडियो शूट नहीं कर सका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करता हूँ आज की लाइफस्टाइल की वीडियो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए और काफ़ी अच्छा भी लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो हंसते रहें मुस्कुराते रहें, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी।